हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनिया और आज हम बात करने वाले हैं 1973 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड हॉरर मूवी द एग्जॉर्सिस्ट को। गाइस, ये मूवी एक रियल स्टोरी बेस्ड है, तो पहले मैं मूवी एक्सप्लेन करूँगी, बाद में हम रियल स्टोरी के बारे में जानेंगे। और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना गाइस। कहानी के स्टार्ट में हमें इराक दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग खुदाई का काम कर रहे थे। यहाँ पे दो आदमी को एक लॉकेट टाइप छोटी सी मूर्ति मिलती है। इस आदमी का नाम है मरीन, जो एक चर्च का फादर है, तो इस वजह से इनको सारे लोग फादर मरीन के नाम से बुलाते हैं। मरीन जब उस मूर्ति को हाथ में लेके देखता है तो उसे पता चलता है वो एक शैतान की मूर्ति है। दरअसल इस शैतान का नाम पजेजू है, जो कि गर्मियों के समय में सूखा और अकाल लाता है, और बारिश के समय में टिंडों का झुंड, जो कि लाखों और करोड़ों के तादाद में होते हैं, वे फसलों को नष्ट करके मनुष्य में भूख मरी और अकाल को लाते हैं। पजेजू का दुश्मन है लमेस्तू, जो कि वो भी एक डीमन ही है। लमेस्तू माँ और बच्चे को अलग करता है, दूध पीते बच्चे को किडनैप करके उनको मार के उनका खून पीता है ये डीमन। इसीलिए पजेजू के जरिए लमेस्तू को माँ और बच्चे से दूर रखा जाता है। हालांकि पजेजू भी एक डीमन ही है, पर वो लमेस्तू से उनकी रक्षा करता है। इसीलिए वो शैतान होने के बावजूद इंसान उसको अपने रक्षा के लिए यूज करते हैं। कहानी में वापस आने के बाद हम देखते हैं मरीन को, जो एक ढाबे पे रुक के कुछ पी रहा था। वो वहाँ पे कुछ पिल्स भी लेता है, और हम देखते हैं इस दौरान मरीन का हाथ पैर काफी कांप रहा था। मरीन वहाँ से अपने ऑफिस में वापस आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे कई सारी और भी बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी थी। और वहाँ पे कुछ देर अपने दोस्त के साथ बात करने के बाद वो वहाँ से जाने के डिसाइड करता है अपने नए सफर में, नई खोज में। हालांकि उसका दोस्त नहीं चाहता था कि मरीन वहां से जाए। मरीन वहां से जाने की डिसाइड कर चुका था, तो वो और उसे नहीं रोकता। मरीन जब अपने नए सफर के लिए निकलता है, तब उसे रास्ते में पजेजू के एक मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति के सामने ही दो डॉग आपस में फाइट कर रहे थे, जो कि ये सिंबल था, आपस में दो डीमन फाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉशिंगटन सिटी को, जहाँ पे हम एक फैमिली को देखते हैं। वो अपनी बेटी के साथ रहती है यहाँ। माँ का नाम क्रिस और बेटी का नाम था रेगन। क्रिस एक सिंगल मॉम है, तो वो अच्छे से समझती है रेगन की जरूरतों को, बहुत टेक केयर करती है, कुछ भी कमी नहीं होने देती रेगन को। क्रिस एक एक्ट्रेस थी, तो वो ज्यादातर शूटिंग वगैरह में ही बिजी रहती है, पर फिर भी वो थोड़ा टाइम निकाल के अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करती है। एक दिन क्रिस नोटिस करती है कि उसकी बेटी के कमरे में चीजें सब हिल रही है। जब वो ऊपर जाके चेक करती है तो सब नॉर्मल ही था, रेगन भी आराम से सो रही थी। अगले दिन क्रिस अपने शूटिंग में जाती है, जहां उसको एक टीचर का रोल दिया गया था। क्रिस शूटिंग खत्म करने के बाद वो अपने गाड़ी के पास आके गाड़ी ड्राइवर से बोलती है कि वो आज पैदल ही घर जाएगी। फिर क्रिस चलते हुए घर जाने लगती है। घर पहुँचने के बाद क्रिस अपनी बेटी रेगन के साथ टाइम स्पेंड करती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उनके पास सब कुछ था, धन दौलत। रेगन को तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मांगने से पहले ही सब कुछ मिल जाता है उसे। एकदम परफेक्ट हैप्पी लाइफ थी उनकी, कमी थी तो बस रेगन की डेड की, जो इस दुनिया में नहीं थे। एक दिन क्रिस रेगन के साथ खेल रही थी, तो अपनी बेटी के टॉयज में से एक ऊर्जा बोर्ड मिलता है, और क्रिस रेगन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए बोलती है। और जैसे ही क्रिस ऊर्जा बोर्ड को खेलने जाती है, वो ऊर्जा बोर्ड क्रिस के हाथ से फिसल के रेगन के हाथ में चली जाती है। क्रिस रेगन को मजाक में बोल देती है कि तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहती। रेगन बताती है अपनी मोम को कि वो अपनी मोम के साथ खेलना चाहती है, पर कैप्टन होडी नहीं। क्रिस इन सब बातों को इग्नोर कर देती है और ज्यादा ध्यान नहीं देती। खैर, इन सब के बाद क्रिस और रेगन को अपने रूम में सुला कर वो भी चली जाती है अपने रूम में सोने। अगली सुबह क्रिस की नींद खुलती है एक फ़ोन कॉल से। फ़ोन पे बात करने के बाद क्रिस देखती है रेगन उसी के पास सो रही थी। क्रिस के पूछने पर रेगन बताती है कि कल रात उसका बेड बहुत हिल रहा था, तो उसको नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो यहाँ पे आके सो गई। क्रिस इन सारी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, और बेडरूम से बाहर आने के बाद उसे लॉफ्ट रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्रिस ऊपर जाके चेक करती है, पर वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलता। अगले दिन क्रिस रेगन को डॉक्टर के पास ले जाती है चेकअप के लिए।
पर रीगन अच्छे से चेकअप नहीं करवाती, यहाँ तक कि बहुत बदतमीजी करती है डॉक्टर से, और तो और अब शब्द भी बोलने लग जाती है डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर क्रिस को बताते हैं रीगन को नर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसीलिए उसका स्वभाव गुस्से वाला हो गया है और आगे चल के डिप्रेशन का कारण बन सकता है। क्रिस डॉक्टर को बताती है रीगन को किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। डॉक्टर क्रिस को बताते हैं हालांकि रीगन को कोई टेंशन नहीं है, पर वो अंदर ही अंदर अपने डैड को मिस करती है, इसी वजह से उसका स्वभाव ऐसा हो गया। नेक्स्ट सीन में फादर कैरिस को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ को लेके बहुत ही उदास है। फादर कैरिस के मामा ने उनकी माँ को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, इस वजह से कैरिस की मॉम कैरिस से बात तक नहीं करना चाहती, बहुत नाराज है वो कैरिस पे। पर कैरिस को भी बहुत बुरा लगता है, ऐसे कैसे वो अपनी माँ को पागल खाने में छोड़ सकता है। कैरिस तो चाहता था उसकी मॉम को एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराए, पर कैरिस के पास इतने पैसे नहीं थे तो वो अपने मामा से जाके बात करता है। उनसे बात करने के बाद भी कोई बात नहीं बनती तो कैरिस बहुत उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्रिस के घर में एक पार्टी दी गई थी जहाँ पे उनके रिलेटिव्स और बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, पर अचानक से रीगन वहाँ पे आके एक आदमी से बोलती है कि तुम्हारी मौत इसी घर पे होगी, और वहीं पे खड़ी खड़ी यूरिन कर देती है। रीगन का ये बर्ताव देख के वहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा था किसी को भी कुछ भी, रीगन क्या बोल रही है। पर रीगन की मॉम उसे ले जाके बाथटब में नहलाते हुए पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, पर रीगन कुछ नहीं बोलती, कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती वो। खैर बाद में नहलाने के बाद क्रिस रीगन को सुला के नीचे की तरफ जाती है, पर जैसे ही वो नीचे जा रही होती है रीगन की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, वो भागती है ऊपर रीगन की रूम की तरफ। क्रिस रूम में पहुंचती है तो देखती है रीगन का बेड बुरी तरीके से हिल रहा है। क्रिस को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्रिस बिना देर करे अगले दिन फिर से ले जाती है रीगन को डॉक्टर के पास। डॉक्टर रीगन पर और ज्यादा टेस्ट परफॉर्म करता है, उससे रीगन को तकलीफ तो होती है पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे थे। अगले दिन क्रिस के घर में दो डॉक्टर आते हैं रीगन को चेक करने, ऐसे ही वो लोग आते हैं रीगन की चिल्लाने की आवाज सुन के रूम की तरफ जाते हैं, जाके देखते हैं रीगन को कोई बुरी तरीके से उठा उठा के पटक रहा था बेड पे। ये सब देखने के बाद रीगन की मॉम तो बहुत डर जाती है, उनको तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं, यहाँ तक कि बार बार डॉक्टर को दिखाने के बाद भी रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ रहे थे। फिर देखते ही देखते रीगन पोजेस हो चुकी थी, किसी शैतान ने काबू कर लिया था उस पे। बेचारी रीगन तड़प रही थी, हेल्प मांग रही थी सबसे, पर कोई कुछ नहीं कर पाता। और अचानक से रीगन डॉक्टर पे हमला कर देती है, गिरा देती है उसे धक्का देके। सब लोग रीगन को पकड़ के बेहोशी का इंजेक्शन देके सुला देते हैं उसे। रीस ये सब देख के शॉक हो चुकी थी, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे। बाद में डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि रीगन का और ज्यादा चेकअप करना पड़ेगा, चेकअप करने के बाद भी रिपोर्ट सारे नॉर्मल ही आते हैं। एक दिन जब क्रिस डॉक्टर से मिलके घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड बर्ग मारा जा चुका है। क्रिस ने बर्ग को रीगन के देखभाल के लिए छोड़ के गई थी। क्रिस को बहुत बुरा लगता है, बहुत रोती है वो। हैरानी की बात तो ये थी कि बर्ग की मौत रीगन के रूम के खिड़की से कूद के हुई थी, और तो और जब वो गिरा था तो सर के बल गिरा था। बाद में लोगों ने जब उसे देखा तो उसका गर्दन पीठ की तरफ मुड़ा हुआ था। अगले दिन रीगन पूरी तरह पोजेस हो चुकी थी। क्रिस देखती है कि रीगन उल्टी होकर सीढ़ियों से उतर रही थी, और इस दौरान रीगन के मुंह से खून भी निकल रहा था। ये सब देख के क्रिस और ज्यादा घबरा जाती है। अब डॉक्टर और साइकाट्रिस्ट को भी समझ में नहीं आ रहा था कि रीगन को क्या हुआ है। आखिरकार उन लोगों ने सब कुछ कर लिया, फिर भी रिपोर्ट नॉर्मल ही आ रहे हैं। तब वे सारे डॉक्टर क्रिस को एक फादर का हेल्प लेने के लिए बोलते हैं। अगले दिन क्रिस जब रीगन की आवाज़ सुन के उसके रूम में जाती है तो वो एकदम से घबरा जाती है। क्रिस देखती है रीगन अपने आप को चोट पहुंचा रही है, चाकू से खुद पे बार बार वार करके खून निकाल रही है। क्रिस ये सब देख के जब रीगन को मना करने जाती है, रीगन क्रिस को धक्का दे के दूर फेंक देती है। घर का नौकर क्रिस की आवाज़ सुन के जब क्रिस को बचाने आ रहा था तो अचानक से डोर बंद हो जाता है, और वहीं पे रखी हुई एक अलमारी चलते हुए क्रिस के ऊपर गिरने वाली होती है, पर जैसे तैसे करके क्रिस वहां से हट के अपनी जान को बचा लेती है। ये सब रीगन के अंदर का डीमन कर रहा था। रीगन गर्दन को मोड़ के क्रिस से बात करती है, और जो कि ये नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। अगले दिन क्रिस फादर कैरिस से मिलती है और अपनी बेटी के प्रॉब्लम के बारे में बताती है।
प्रॉब्लम को बताते हुए वो फादर कैरिस से हेल्प भी मांग रही होती है। फादर कैरिस बताते हैं कि वो अब ये सब काम नहीं करता, पर क्रिस के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाते हैं। फादर कैरिस क्रिस के घर में जा के रीगन को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि रीगन अब पूरी तरह से शैतान के वश में हो चुकी है। कैरिस रीगन से बात कर रहे होते हैं, इसी दौरान रीगन फादर को बताती है कि तुम्हारी मोम की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। ये सब बातें सुनने के बाद कैरिस को क्रिस पे और ज़्यादा यकीन हो जाता है। इसी दौरान रीगन कैरिस के ऊपर वोमिट कर देती है, जिससे कि कैरिस का चेहरा एकदम खराब हो जाता है। बाद में कैरिस क्रिस को बताता है कि एग्जॉर्सिज्म करने के लिए चर्च से परमिशन लेना होता है और प्रूफ करना होता है कि जिस पे एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करेंगे वो सच में शैतान के वश में। बाद में प्रूफ के तौर पे कैरिस क्रिस से बात करके उसका वॉइस रिकॉर्ड करके ले आते हैं। कैरन वॉइस को एनालाइज करता है, तब उसे पता चलता है कि इसमें सिर्फ फादर मरीन का नाम लिया गया है। कैरन रात को देखता है कि रीगन के पेट में हेल्प मी लिखा है। रीगन अंदर से हेल्प तो चाह रही थी पर वो बाहर से कुछ नहीं बोल पाती। इन सब के बाद फादर कैरिस एग्जॉर्सिज्म के लिए चर्च से परमिशन ले लेते हैं, लेकिन चर्च के फादर कहते हैं कि तुम अपने साथ किसी और को भी ले जाओ। अगले सीन में फादर मरीन भी क्रिस के घर में पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो दोनों घर में एंटर करते हैं ऊपर के कमरों से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। फादर मरीन कैरिस को बताते हैं कि एग्जॉर्सिज्म करते समय शैतान आपको भटकाने की बहुत कोशिश करेगा, पर आपको रुकना नहीं है। वो लोग रीगन को बेड से बांध के एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस आगे बढ़ता है वैसे शैतान को बहुत तकलीफ होने लगती है। तड़प रहा था ये शैतान, झटपटाने लगता है वो, कभी बेड को हवा में उड़ाता तो कभी चीजों को यहाँ वहाँ गिराता। बाद में वो अपने आप को छुड़ा के ऊपर हवा में उड़ने लगता है। ये डीमन तो इतना चालाक है कि फादर कैरिस को भी मैनिपुलेट करने लग जाती है। कैरिस को अपनी माँ का मौत का जिम्मेदार ठहराता है ये डीमन, ताकि फादर कैरिस एग्जॉर्सिज्म में ध्यान ना लगा पाए। जैसा ये डीमन चाह रहा था वैसा हो भी रहा था। जब फादर मरीन कैरिस को देखते हैं कि वो एग्जॉर्सिज्म में ध्यान नहीं लगा पा रहा है तो वो कैरिस को रूम से बाहर भेज देते हैं और वो खुद ही एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं। कुछ देर बाद कैरिस रूम के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि फादर मरीन को भी रीगन ने मार डाला है। ये देख के कैरिस बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में डीमन को मारते हुए कहता है कि तुम रीगन की बॉडी को छोड़ के मेरे अंदर आ जाओ। और जैसे ही डीमन कैरिस के बॉडी में घुसता है तो वो खिड़की से कूद के अपनी जान दे देता है। और आखिरी बार कैरिस का दोस्त अपने दोस्त को अलविदा कहते हुए बहुत रोता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस ये सिटी छोड़ के जा रही थी और रीगन के साथ जो भी हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं है और वो खुशी खुशी अलविदा कहते हुए यहाँ से चली जाती है। गाइस अब हम जानेंगे इसके रियल स्टोरी के बारे में। कहा जाता है कि 1949 में एक 14 साल का लड़का जिसका नाम था रोनाल्ड, उसके साथ कई अजीबोगरीब घटना होने के कारण उस पर कई बार एग्जॉर्सिज्म किया गया। उनके घर में उनके आंट की मौत होने के बाद अजीबोगरीब घटना होने लगी और कई बार तो कई लोगों ने महसूस भी किया। और इस कहानी पे नॉवल भी लिखी गई है जो कि 1971 में पब्लिश हुई थी। हालांकि ये कहानी एक लड़के की है, इन्होंने राइटर से रिक्वेस्ट करा कि इनकी पहचान किसी के सामने ना लाए, इसीलिए नॉवल और मूवी में एक लड़की को दिखाया गया है जो कि रोनाल्डो का किरदार लिंडा ब्लेयर ने निभाया है और काफ़ी अच्छे से रोल प्ले किया है। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी, इसीलिए इस मूवी को शापित मानने लग गए सब। आप क्या सोचते हो इन सब के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।